मैंने संतोष को बोला एक टी शर्ट खरीद कर देने के लिए, संतोष ने पूरा बदला ले लिया। देखो इतना अच्छा टी शर्ट लेके दिया तुम, ऐसा मजाक कर रही हो, देखो एक्स्ट्रा लार्ज। खुशी क्या बोल रहे हैं आप, स्टाइल मार सकते हैं, देखो ऐसे। हाँ देखो सही तो दिया मैंने, स्टाइल के लिए दिया। उसके लिए मैं तो फिगर वाली नहीं है, उसके लिए फिगर की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी फिगर हो। अभी और थोड़ा फैट लग रही है। नहीं नहीं परफेक्ट है वो टी शर्ट, तुमको सूट कर रहा है सीरियसली। लूस है लेकिन कोरियन इन्फ्लुएंस है ये, मैंने तुम्हारे लिए कोरियन इन्फ्लुएंस से ऑर्डर किया। वो भी एक नहीं है, एक और है व्हाइट, वो इससे भी बड़ा है। अच्छा है आज बाहर है एकदम भयंकर चूड़ है, चूड़ो भयंकर गर्मी है, गर्मी है। मलयालम में गर्मी को चूड़ बोलते हैं। हाँ। भयंकर चूड़ है। उसी के लिए परफेक्ट है ये। अभी चाय बनाने जा रहे हैं। देखो मैंने नया कप खरीदा, एक बार करा कर दिखा दो। मैंने ये दो कप अमेज़न से खरीदा है, बैम्बू से बनाए ये। अच्छा लग रहा है एकदम। हाँ वुडन फिनिश में। तुम चाय बनाओ जल्दी जल्दी, और मेरा कॉल शुरू होने वाला, लास्ट कॉल है, तुम एक बार प्लीज फटाफट। तो अभी है ना किचन मेरा नहीं रहा है, इधर आकर बैठा है और मेरा इतना कॉल आते है, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, कुछ काम नहीं, नहीं कर तुम ऊपर जाके कॉल अटेंड कर लो। ऊपर दोनों मुझे उधर से भगा कर नीचे भेज। और आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, देखा ऐसा हालत हो गया मेरा कबोर्ड का, देखा। ये देखो तुमने किया, हमने ये मैंने किया है। भाई हम लोग तुम्हारे लिए देखो इतना फेवरेट चीज बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये बनाने के नहीं, ये खाने के चक्कर में इसके अंदर। हाँ वो बात सही है। कल हम लोग अदरक और बेसिल डालकर ब्लैक टी पीते हैं। संतोष का कॉल अभी स्टार्ट होएगा। देखो एक कान में फिक्स भी किया है, इसलिए 5 मिनट का टाइम दिया है मुझे। 5 मिनट का टाइम दिया। हाँ, आज कुछ लाइव मीटिंग था, हम लोग को हिलने ही नहीं दिया, वो भी कितना घंटा तक। लेकिन मैं खुश हूँ, सब लोग घर पे है ना, चुप कितना भी देर में बैठ सकती है। ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। आज चुंगसी का कोच का बर्थडे है, इसलिए कोच नहीं आ रहे। एक इंटरनेशनल कोच के साथ जा रहा है, मास्टर एथलीट चप्पल में भागेगा आज। अयो ये कौन सा कैसा राखी है। ओहो राखी को नीचे डाल दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अभी नेक्स्ट डे है, टाइम अभी 9 बजे हो गया होगा, संतोष का कॉल स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं बाहर आकर बैठी है। हमारे घर में है ना, किधर भी रूम में जाकर बातें कर लो वो सबको पता चलेगा, इसलिए मैं भी बाहर आकर बैठी है। कैमरा ऐसा पकड़ लेते ना हाथ दुख रहे। कल मैंने वो बैम्बू का कप आप लोगों को दिखाया ना, मैंने उसके साथ है ना स्पून भी ऑर्डर किया था, वो कल शाम को आ गया था, वो मैं दिखाती हूँ। मैं वाश करके रखा है। देखा देखो ऐसा है स्पून, इसके नीचे ऐसे ब्लैक थ्रेड से डिजाइन बना दिया है ना, उसकी वजह से है ना ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जब सिंगापुर में था ना उस समय मेरे पास वुडन स्पून और प्लेट वो सब था, लेकिन जब पुराना आ गया तो मैंने उधर ही वो छोड़ दिया। अभी मुझे प्लेट भी खरीदना है। अच्छा है ना, आज दो फेस्टिवल है, मैं संतोष का वेट कर रहे थे साथ में विश करने के लिए। हैप्पी वरलक्ष्मी पूजा एंड हैप्पी ईद। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों ने क्या क्या किया स्पेशल, कुछ करते हो अगर आप लोग फेस्टिवल मनाते होंगे तो बताना हमको, क्योंकि अंजू बता रही थी कि हम लोग ये वरलक्ष्मी पूजा हमारे केरल में नहीं होता है। साउथ इंडिया में सब जगह है लेकिन केरल में नहीं है। केरल में लेकिन ईद मनाते, बकरीद बोलते हैं। हाँ। हमारा जो मुस्लिम फ्रेंड्स है ना वो लोग मनाते हुए देखा है, लेकिन वरलक्ष्मी पूजा हमारे इधर नहीं है। और लेकिन साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया बाकी जगह सब है, सब जगह। हाँ फेस्टिवल है ना,
इसलिए मैंने खीर बनाने के लिए रखा है। कौन सा खीर है? पालड़ा पालड़ा पायसम। पालड़ा पायसम, वाह, ये लास्ट मार्केट है। कोई बात नहीं, और मंगाएंगे, बट दिस इज अमेजिंग। पालड़ा पायसम इज, आज थोड़ा माइक को भी देना है, माइक है ना, गिर गया है। तो दिन लास्ट वीक हो गया था उनका थोड़ा, लेकिन देखो उसी दिन फिर से वो घर का शॉपिंग के लिए जा, मतलब वो पकड़ के जाने वाला एक वो है। हाँ, आज मैं लंच में टिपिकल केरला रेसिपी बनाने जा रहे हैं। कुंपलांगिया ओले, एश गार्ड है ना, उसको छोटा छोटा कट कर लिया। देखो ऐसा 3 पीस मैंने लिया था, और अभी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, मैं इधर 3 ग्रीन चिली लिया है, वो थोड़ा बड़ा है इसलिए ऐसा डाल देते हैं, वो डाल दिया, और करी लीव्स डालकर इसको हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और आपको अगर किसी से गुस्सा है घर पे, तो जरूर आप उसको प्यार से मुंह पे हाथ लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन अंजू को ये आइडिया दे के मैं गलती कर रहा हूँ। अंजू मेरे ही लगा दिया ना तुमने। नहीं, मैं गुस्सा नहीं है, क्योंकि संतोष को जब भी टाइम मिले तो है ना वो आकर कैमरा पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, इतना पानी डाल दिया। अब इसको कवर कर कुकर लेते हैं। नॉर्मली है ना उसके अंदर है ना, देखो ये ब्लैक टाई बीन्स है ना, इसका रेड कलर का होता है ना, वो है ना इसके साथ बॉईल करके डालते हैं, लेकिन मेरे पास राजमा राजमा तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये इसका रेड वाला मिलता है, वो नहीं है, इसलिए ऐसे ही मैं बना रहे हैं। वो डाल दिया तो ना टेस्ट और बड़ा अच्छा होता है। इसका अंदर का पानी पूरा चले गया, तो मैं थोड़ा इसको मैश कर रहे हैं। हाँ, काफी है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश कोकोनट है उससे कोकोनट मिल्क बना दिया तो है ना उसका टेस्ट ऑसम है, लेकिन मेरे पास फ्रेश नहीं है इसलिए मैं मैगी का कोकोनट पाउडर यूज़ कर रहे हैं। 1 कप मैगी का कोकोनट पाउडर लिया, उसमें अभी पानी डालते हैं। कोकोनट मिल्क रेडी हो गया, अब ये इसमें जाएगा, इसमें भी एक अच्छा सा बॉईल आ गया। इसमें थोड़ा सा शुगर डाल रहे हैं, ये ऑप्शन है क्योंकि ये फ्रेश कोकोनट नहीं है ना, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और डालना है एक और ग्रीन चिली, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली और करी पत्ता का फ्लेवर है ना अच्छा होता है। सबसे ऊपर 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐसा डाल देते हैं, गैस ऑफ कर इसको कवर कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद है ना ये और थिक हो जाएगा, और खीर भी इधर रेडी हो गया। सबसे पहले खीर भगवान को दे देते हैं, मैचिंग सीरीज भगवान का वेजिटेबल सूप। खुशी में वेजिटेबल सूप बना रही है। इज इट कैप्सिकम? या एंड अनियन। मैं इट्स रेडी, आई एम रेडी टू ड्रिंक इस बार। अंजू खुशी यू नो से सम नो Because she's very angry at everybody. That's my job. News reporters and do a chain. Our alarm and annoy and poing and questions are chain. That's my आप लोग मुझे ध्यान से देखो, किसी का याद आ रहे? Wait a minute. You? पहले लाइक कर दो फिर मैं बताती हूँ। मैं डायल क्यों रहा है? लाइक किया? अभी बताती हूँ। मेरी एक व्यूवर है सहीदा बरगुजार, ठीक से प्रोनाउंस कर रहे मालूम नहीं, उन्होंने बोला है मैं इंदिरा गांधी जैसे दिखती हूँ। Oh my God! Wow! और जब से सुना है तब से काफी हो हल्ला हो रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक और स्टोरी है जो अंजू बताएगी, इसका पुराना कनेक्शन। हाँ, इंदिरा गांधी के साथ ना मेरा एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अभी भूल गई है भाई, थोड़ा याद करके बताइए। थोड़ा पॉज, आप लोग वेट करना, अभी आएगा। क्योंकि हिंदी भूल गई, क्योंकि मेरे गांव में मैक्सिमम लोग मुझे इंदिरा गांधी बुलाते हैं। मेरा टीचर्स लोग, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स लोग, सब लोग मुझे इंदिरा गांधी बुलाते हैं। और आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आप जयप्रदा जैसे दिखते हैं, परिणीति चोपड़ा जैसे दिखते हैं। तब मैंने जल्दी उन संतोष को दिखा दी, देखो मैं उनके जैसे दिखते, काश दिख लिया तो। मैं तब से मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग एंगल से देख रहा हूँ। किसी दिन आपको मिल जाएगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा। आज तक किसी ने, आप लोगों के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन पहली बार
मेरी एक व्यूवर ने बोला है मैं इंदिरा गांधी जैसा दिखती हूँ। मेरा गांव में सब लोग मुझे क्यों है बुलाते हैं, मेरा एक 9th 10th ईयर्स तक है ना, मेरा इंदिरा गांधी हेयर कट था, बॉब कट था, इसमें थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ, हाँ बॉब कट था और नाक लंबा है ना, क्लॉस पे कौन पेड़ पे क्यों नाक लंबा है ना, उसी वजह से सब लोग मुझे इंदिरा गांधी बोला। थैंक यू सहिदा जी, आपने फिर से याद दिला दिया वो। और आज आपको ये नाक पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको फन फैक्ट भी बताते हैं कि मेरे को ये मानना है कि इस बचपन में काफी झूठ बोला करती थी, इसलिए इसका नाक जो है लंबा। पिनोकियो का स्टोरी आपने सुना होगा। नहीं नहीं, मेरे नाना जी हमेशा बोलते हैं, देखो जितना भी बड़े बड़े लोग देखो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, चिरंजीवी, जितना भी बड़ा हीरो या फेमस लोग, उनका नाक बहुत बड़ा होता है। रजनीकांत ने नोज वाली अल्लाह, हाँ बहुत कम लोग, मतलब ऐसा कुछ लोग है, लेकिन बहुत फेमस लोग हैं, उनको हमेशा याद रहता है उनका नाक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं मतलब लंबा होता है, लंबा नाक है ना लक की एक सिंबल है। मैंने ऐसी टांग खींच रहा था तुम्हारा, फैंटास्टिक। और आप लोग भी बताना, आप लोगों से कितने सारे लोगों में इंदिरा गांधी लग रहे हैं अभी? मैं जयप्रदा जैसा बोल दिया तो मैं एकदम खुश हो गया, क्योंकि जयप्रदा मेरा फेवरेट थी। हाँ नहीं है, तुम्हारे पास एक टच है ऐसे एंगल, मैंने देखा है, मतलब कभी कभी लगता है तुमको देख के। कभी भी नहीं बोला है, कभी भी, जो भी कॉमिक कैरेक्टर है ना उनका जैसा है मैं कॉमिक। अभी हम लोग सबका बर्थडे और शाउट आउट करने जा रहे हैं। कविता अभी ने अपने बेटे के लिए बोला है श्री वल्लभ का, उनका बर्थडे है, फिर अंजलि थॉमस का बर्थडे है, और गीता घिमेरे ने अपने बेटी रोज के लिए बोला है, इन तीनों को बर्थडे विश के लिए हैप्पी बर्थडे। ओके अब आते हैं शाउट आउट के लिए। सोनिया ने रिक्वेस्ट किया उनके फैमिली मेंबर्स जो कि कुवैत में है उनको विश करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स शर्ली जी और कुंजमोहन जी और उनके सिस्टर्स श्रेया एंड विद्या। वी ऑल नो सोनिया इज हियर इन लंदन एंड शी मिसेस यू ऑल, बट यू नो शी वांटेड अस टू गिव यू अ शाउट आउट एंड चीयर यू अप, सो स्टे हैप्पी। हाय एवरीवन। नेक्स्ट इज सेरिंग गियाचन। हाय हाय। नेक्स्ट है हर्षा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनको हाई फाइव भी दिया जाए। हाय फाइव। हाय फाइव। हाय हर्षा। अब आते हैं हम आज के लास्ट सेक्शन में और वो है फन फैक्ट। और आज का फन फैक्ट है अमेरिकन फ्लैग पर। क्या आपको पता है कि अमेरिका का जो आज का फ्लैग है दैट इज डिजाइन्ड बाय ए हाई स्कूल स्टूडेंट, है ना मजे की बात, एंड दिस वाज डन इन 1958। तो एक जेंटलमैन बाय नेम बॉब हेफ्ट, जब वो जूनियर स्कूल में था हिस्ट्री क्लास में 1958 में, उसने एक ये डिजाइन किया था और उस समय उसने जो स्टार अमेरिकन फ्लैग में 50 स्टार्स डाले थे। उसको ये लगा था कि अलास्का और हवाई जो है दो ऐसे स्टेट्स हैं जो और जुड़ जाएंगे, उस समय नहीं थे वो, और इसलिए उसने उसको ऑलरेडी लगा कि होंगे, इसलिए उसने 50 स्टार्स बनाए थे। लेकिन उसको बी ग्रेड दिया गया हिस्ट्री में, लेकिन जब ये अमेरिकन गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूवल हुआ कि ये फ्लैग ऑफिशियल हो गया था, उसके बाद में उसको ग्रेड बढ़ाकर ए ग्रेड कर दिया गया था। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड करंट अमेरिकन फ्लैग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।